श्रीमत्यै गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः, श्रीमते श्रीरङ्गरामानुजमहादेशिकाय नमः, श्रीमते श्रीवराहमहादेशिकाय नमः, श्रीमते श्रीमुकुन्दगुरवे नमः, श्रीमते श्रीपद्मनाभगुरवे नमः, अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः, गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पति। नमः सर्वेभ्यः। धन्याः वयं भारतदेशे सनातनधर्मे अस्माकं जन्म लब्धं भवति। तदपि श्रीवैष्णवानां कुले ये जाताः ते धन्यतमाः इत्यपि वक्तुं शक्यते। ये विशेषतः दक्षिणभारते जाताः अपि च द्राविडभाषाम् अधीतवन्तः तेषां तेभ्यः पूर्वोक्तेभ्यः अपि एते भाग्यशालिनः। यतोहि नालायिरदिव्यप्रबन्धं, नालायिरदिव्यप्रबन्धः संस्कृते प्रबन्धम् इति द्राविडभाषायां यानि पद्यानि विद्यन्ते परमभोग्यानि एव तानि। यदि नालायर दिव्य दिव्यप्रबन्धाः दिव्यप्रबन्धपद्यानि सर्वाण्यपि सम्मिल्य एकमेव फलं स्यात्, तच्च फलम् अद्वितीयम् एव। तस्मात् यः रसः आयाति तस्य अतुल्यता वर्तते इति वक्तुं शक्यते। विशेषतः तिरुप्पाव इति विख्यातप्रबन्धस्य यः प्रभावः यत् श्रेयः वर्तते तदपि मातुं न शक्यम्। तस्य एतस्य तिरुप्पावै प्रबन्धस्य अद्यतनपद्यं भवति अष्टादशम्, उन्दु मदगलिट्रन् इति आरभ्यमानं पद्यम्। अम्बरमे तन्नीरे इति पूर्वस्मिन् पद्ये गोपकन्याः नन्दगोपं यशोदां कृष्णं बलरामं च प्रबोधयितुं प्रयत्नं कृतवन्तः इत्यपि वक्तुं शक्यते। यतोहि कृष्णः इदानीमपि न उत्थितवान् इति भाति। किमर्थं किं वा अन्यत् कर्तव्यं तस्य प्रबोधनाय इति चिन्तयन्त्यः गोपकन्याः, एवम् अवजानन्ति यत् नप्पिन्नै नीलादेव्याः अवतारविशेषः नप्पिन्नै इति कृष्णस्य सखी तत्रैव वर्तते। यशोदायाः भ्राता कश्चन कुम्भ इति, कुम्भस्य पुत्री नप्पिन्नै इति नीला, सा च नीला कृष्णस्य बहु प्रिया। नप्पिन्नै काणिल् सिरिकुम् इति हि स्तुवन्ति विष्णुचित्ताः। हे कृष्ण, झटिति स्नानं कुरु, किमेतत् वस्त्रहीनः त्वम्
तथैव इतस्ततः त्वं चलन् अस्ति। यदि नप्पिन्नै नीला त्वां पश्यसि पश्यति तर्हि असति परिहसति। तदर्थं स्नानाय आगच्छ इति हि यशोदायाः भावं स्वीकृत्य विष्णुचित्ताः स्तुवन्ति। तां च नीलां नप्पिन्नै देवीं अनेन पद्येन बोधयित्वा संप्रार्थ्य कृष्णं तावत् अस्माकं कृते त्यज परित्यज, यतो हि कृष्णः तया बद्धः अस्ति इदानीं। बद्धः इत्युक्ते तस्याः प्रेम्णा बद्धः वर्तते। अहो नीलादेवी नप्पिन्ने देवी द्वारम् उद्घाटय कृष्णं च देहि इति हि प्रार्थयन्ते। पद्यम् एवं भवति। उन्दु मदघलिट्टन् ओढाद तोळ् वलियन् नन्दगोपालन् मरुमहले नप्पिन्नाय् कन्दं कमहुं कुयली कडैदिरवाय् वन्देङ्गुं कोयेत्तनकान् माधवि पन्दल् मेल् பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட செந்தாமரை கையால் சிறார் வளையொலிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய் உந்து மதகலிற்றன் ஓடாத தோள் வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குயலி கடை திரவாய் வந்தெங்கும் கூழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலியுன் மைத்துனன் பேர்பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொழிப்ப வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். இதம் ச பத்தியம் ஸ்ரீபகாஷ்யகாரானாம் பகு இஷ்டம் இது குரு பரம்பரா கதாபிஹி ஞாயதே. தைஹி அனுசந்தியமானம் பத்யம் ஆசீத் இதம். தச்ச ஐதிஹ்யம் அதவா குரு பரம்பரா விஷயம் அஸ்ய உபன்யாசஸ்ய அந்தே விஞ்ஞாப்யதே. பிரதமம் அர்த்தம் தாவத் பஷ்யாமஹ. உந்து மதகளிற்றன் மதகளிரு களிரு இத்யுக்தே ஹஸ்தி கரின் கரி. மதகளிரு யதா கரிணஹ ஹஸ்தினஹ மதைஹி பிரபாவிதஹ பவந்தி தர்ஹி தான் தமயிதும் கஷ்டம் பவதி. கேனாபி சுலபதையா தான் தமயித்தும் சக்கியதே. உந்து மதகலிற்றன் மதக தாவத்து பிரசரன் வர்த்தத்தை ததா ஹஸ்தினக பகு பலசாலினக பவந்தி உன்மத்தாக பவந்தி. உந்து மதகலிற்றன் ஓடாத தோள் வலியன் விசேஷணத்வயமபி நந்தகோபஸ்ய கிருதே பவிதும் அர்ஹதி. கிருஷ்ணஸ்யாபி ஸ்வாபாவிகேன பவதி அர்ஹத்யேவ. உந்து மதகலிட்டன் இது இதானிம் நந்தகோபஸ்ய விசேஷனம் பவதி. நந்தகோபஸ்ய சேனாயாம் பகவஹ கரிணஹ ஆசன் தே சர்வேபி பகு பலசாலினஹ இதி. ஓடாத தோள் வலியன் தோள் பாகு வலி ஸ்ட்ரெங்த் இது உச்சதே ஆங்கிலபாஷாயாம் பலம். தஸ்ய பாகு பலம் நைவ ச்யவதே பாஹுபலிஹி சஹ ஆசீத். ஓடாத தோல் வலியன் யதோஹி தே
स्वभावतः वैश्याः आसन् वैश्यकुले जाताः आसन् तथापि क्षत्रियाणामिव तेषां बलम् आसीत् हस्तिनः अपि तेषां सेनायाम् अवर्तन्त नन्दगोपालन् मरुमहले नप्पिन् नाय् कुम्भस्य पुत्री नन्दगोपालस्य स्नुषा इति हि ताम् आह्वयन्ति तस्याः अपि हर्षः जायेत एवम् आहूयमाने श्रीमद् रामायणे सीतादेवी एवम् उक्तवती सुन्दरकाण्डे स्नुषा दशरथस्याहं तदनन्तरमेव जनकस्य पुत्री इति दुहिता जनकस्याहमिति प्रथमं तावत् स्नुषा दशरथस्याहं स्वस्याः परिचयः एवं परिचयम् एवं दत्तवती तथैव अत्रापि नन्दगोपस्य स्नुषे इति हि ताम् आह्वयन्ति गोपकन्याः नप्पिन्नाय् तस्याः नाम नप्पिन्नाय् गन्धं कमलं कुयली अपि च तव बहु विशेषणानि सन्ति गन्धं कमलं कुयली केशेभ्यः सुगन्धः आयाति सर्वदा तव केशेषु सुगन्धः भवत्येव सुगन्धकेशिनी उत्तिष्ठ द्वारम् उद्घाटय इति हि प्रार्थयन्ते गन्धं कमलं कुयली कडैतिरवाय् कडैतिरवाय् वन्देङ्गं कोयत्तनकान् तर्हि नप्पिन्नै पृच्छति किमर्थं मां प्रबोधयन्ति भवत्यः भवत्यः किमर्थं मां प्रबोधयन्ति किम् इदानीं प्रभातवेला जाता वा तर्हि लिङ्गानि सूचयन्ति गोपकन्याः वन्देङ्गं कोयि अयत्तनकान् न केवलं वयम् अत्र आगताः किन्तु कुक्कुटाः अपि आगताः अस्माभिः सह त्वामेव प्रबोधयितुं वन्देङ्गं कोयि अयत्तनकान् न एकः न द्वौ किन्तु अनेके कुक्कुटाः अत्र आगताः किं त्वं न शृणोषि तं च शब्दं त्वं न शृणोषि अपि च माधवीपन्दल्मेल् पल्घाल् कुयिलनङ्गल् कूविनकान् प्रतिवेलायामेव कुक्कुटाः शब्दं कुर्वन्ति तर्हि सन्देहः जायेत अनन्तरं प्रभातवेलायां यत् लिङ्गं प्रत्येकं भवति तच्च सूचयन्ति माधवीपन्दल्मेल् पल्घाल् कुयिलनङ्गल् कूविनकान् कोकिलाः अपि आगताः कोकिलाः रात्रौ न शब्दं कुर्वन्ति प्रातःकाले एव ते शब्दं कुर्वन्ति माधवी पंदल मेल माधवी इत्याख्य लता वर्तते लतानां कृते दारुभिः मंडपः सज्जीक्रियते तस्मिन् मंडपे लताः प्रसरन्ति माधवी इत्याख्य लतायाः मंडपे बहवः कोकिलाः आगताः पल्काल् कुयिलनङ्गल् कूविनकान् कूजन्ति कोकिलाः कूजन्ति कूजन्ति मधुरं मधुराक्षरम् इतिवत् त्वां प्रबोधयितुमेव कोकिलाः अपि कूजन्ति
பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட. பந்தார் விரலி தஸ்யாஹ ஹஸ்தே கந்துகம் அபவத். கிருஷ்ணேன சக கேளனம் கர்த்தும் கந்துகம் தஸ்யாஹ ஹஸ்தே ஆசீத். பந்தார் விரலி உன் மைத்துனன் பேர் பாட. மைத்துனன் அத்ர கிருஷ்ணஹ பதிஹி. உன் மைத்துனன் பேர் பாட. தவ பத்யுஹ நாமசங்கீர்த்தனம் கர்த்துமேவ வயம் அத்ர ஆகதாஹ. யதி பத்யுஹ சங்கீர்த்தனம் பவதி சேத் தவாபி சந்தோஷஹ ஜாயதே கலு. அதயேவ செந்தாமரை கையால் சீரார் வாழை ஒலிப்ப வந்து திறவாய். தவ ஹஸ்தௌ கமல சதிருஷௌ ஜித கமலா துவம். அதவா தவ ஹஸ்த ஜித கமல இதி. தேன தாப்யாம் துவாரஸ்ய உத்காட்டனம் குரு. சீரார் வளை ஒலிப்ப அபிச்ச தவ ஹஸ்தயோ வித்யமான வித்யமானைஹி பூஷணைஹி சப்தம் கிருத்வா சோபனம் சப்தம் கிருத்வா துவாரஸ்ய உத்காட்டனம் குரு. நாங்களும் வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரம்பாவாய் ஹர்ஷேன சந்தோஷேன ஏவம் குரு அஸ்மாகமபி ஹர்ஷ ஜாயேத இதிஹி பிரார்த்தயந்தி. நப்பின்னை அதவா நீலா தேவி யதா கிருஷ்ணம் பிரதி வததி பவானபி உத்திஷ்டது கச்சது இதி யதா யதி சா வததி தச்ச வச்சனம் ந உல்லங்கயித்தும் சக்யம் கிருஷ்ணேன. அதேவ நீலாதேவிம் ஏவம் பிரார்த்தயந்தி. ஸ்வாபதேஷே பகவான் ந சாட்சாத் வயம் பகவந்தம் பிரதி கத்வா அஸ்மாக்கம் ஸ்திதிம் வினிவேத்ய உபாயம் ஸ்வீகர்த்தும் சக்னுமஹ பிரபத்தியம். யதோஹி தஸ்ய நிக்ரஹஹ பவதி பஹுஷு ஜன்மசு வயம் பகவதஹ ஆக்ஞாம் உல்லங்கிதவந்தஹ ஆக்ஞாயாஹ உல்லங்கனம் கிருதவந்தஹ. அதேவ பகவதஹ நிக்ரஹஹ வர்ததே தத் சமயத்தும் ந அஸ்மாபிஹி சக்யம் தத் கிருதே புருஷகாரஹ அபேக்ஷதே. ததர்த்தமேவ ஸ்ரீயம் அதவா ஸ்ரீ பூமி நீலா தேவீனாம் பாதமூலே வயம் பிரதமம் சரணாகதிம் கிருத்வா ததனந்தரம் தாபிஹி ரேவ அதவா தயா சரணாகத்யா பகவந்தம் பிராப்தும் சக்னுமஹ இதி. ததேவ சூச்சயதி இதம் ச பத்யம் நீலாதேவி தத்ர புருஷகாரஸ்ய ஸ்தானே பவதி இதி. பத்யம் ச ஏதத் ஸ்ரீபாஷ்யகாராணாம் பகு இஷ்டம் ஆசீத். ஏகவாரம் யதா தே பிக்ஷாடன வேளாயாம் திருப்பாவை பிரபந்தஸ்ய அனுசந்தானம் குர்வந்தஹ ஏவ அகச்சன் ததா உந்து மதகலிற்றன் இதி பத்யஸ்ய அனுசந்தானம் ஆசீத். ததைவ ஸ்ரீ பெரியநம்பி இத்தியாக்கிய தேஷாமேவ ஆச்சாரியானாம் கிரகசிய புறத்தக கதவந்தக. கந்தம் கமழும் நந்தகோபாலன் மருமகளை நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடைத்திரவா இதி யதா உக்தவந்தக ததா அத்துயா இதி பெரிய நம்பி ஆச்சாரியானாம் புத்திரி பகிஹி ஆகத்தவதி.
भिक्षां प्रदातुं नपिन्नाय यदा इति यदा उक्तवन्तः आचार्याः तदेव अत्तुविहाय बहिः आगतवती झटिति श्रीभाष्यकाराः ताम नतवन्तः तस्याः दण्डवत् प्रणामं समर्पितवन्तः भीताः सा भीता जाता अन्तः धावन्ती सा पितरं प्रति किं जातमिति उक्तवती तर्हि पेरियनम्भि महाभागाः आचार्याः ओहो उन्दु मदगलिट्टन् इति पद्यस्य अनुसन्धानं कृतवन्तः स्युः अत एव तवापि वन्दनादिकं कृतवन्तः इति भाष्यकार श्रीभाष्यकाराणां मनोभावं ज्ञातवन्तः पेरियनम्भि महाचार्याः इत्येवम् उक्त्वा अद्यतन उपन्यासं समापयामि अनन्तरं कुत्तुवेळकरिय कोट्टुकाल् इति पद्यस्य अर्थम् अनुभविष्यामः सर्वेभ्यः नमस्कारः धन्यवादाः श्रीमते गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।